अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि ईद आने वाली है और तमाम स्टूडेंट्स के पेपर हैं, नाइन्थ क्लास के तलबा और तलबात के पेपर स्टार्ट हैं और अब मैथ का पेपर है, बच्चों की तैयारी नहीं है और ईद सर पर है, तो अब क्या किया जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक ऐसी पेयरिंग स्कीम लेकर आई हूँ, मैजिकल पेयरिंग स्कीम है आपके लिए। सिर्फ ये चैप्टर्स आप कर लिए तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये 100% गारंटी के साथ है। कुछ चैप्टर यानी आप टोटल 5 चैप्टर आप कर लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको कंप्लीट वीडियो में गाइड करूंगी कि कौन कौन से चैप्टर आप कर लें, सिर्फ 5 चैप्टर आपने करने हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी बुक ना करें तो कोई मसला नहीं है, आप ईद भी इंजॉय करेंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये गारंटी के साथ वीडियो बनाई गई है, इसमें आप तमाम चीज़ों को मैं प्रॉपरली गाइड करूंगी, आपको बताऊंगी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 5 चैप्टर बताऊंगी जिनकी सिर्फ आप तैयारी अगर कर लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उन चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 12। अगर आप इन 5 चैप्टर की तैयारी कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, तो आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ स्क्रीन पर मैं शेयर कर रही हूँ कि चैप्टर 1 में से क्या क्या चीजें आएंगी। अब जैसा कि देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, जो कि 4 मार्क्स का होगा। इसके अलावा चैप्टर 1 में से एक MCQs आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का MCQs और 4 नंबर के लॉन्ग, यानी फर्स्ट चैप्टर में से आपका 9 मार्क्स का पेपर बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करना है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2, उसमें से भी इसी तरह से 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 9 मार्क्स का पेपर चैप्टर 2 में से भी बनाया जाएगा। तो टोटल 18 मार्क्स का आपका पेपर बन गया। इसी तरह से चैप्टर 3 पर आ जाएं तो उसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स के, ये भी 9 मार्क्स का आपका कंप्लीट चैप्टर है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से भी 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी 4 मार्क्स के, तो ये भी टोटल 9 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 चैप्टरों के जो मार्क्स हैं वो 36 नंबर का पेपर आपका बनेगा, यानी 36 नंबर का आपका इन 4 चैप्टर्स का पेपर बन रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक है चैप्टर 12 या फिर चैप्टर 16। फिफ्थ ऑप्शन में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, या तो आप चैप्टर 12 कर लें या चैप्टर 16 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले 4 कंपलसरी हैं, जो 5वां है उनमें से आपके पास ऑप्शन है कि आप चैप्टर 12 कर लें या चैप्टर नंबर 16 कर लें, वो 11 मार्क्स का बनेगा। उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, यानी ये दोनों चैप्टर थ्योरम्स के हैं, 8 मार्क्स का थ्योरम आता है, यानी इन दोनों चैप्टर में से आप एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर 12 कर लें या 16 कर लें। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी थ्योरम आएगा, एक MCQs आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो टोटल आपके 11 मार्क्स इस चैप्टर से बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि किस तरह से इन 5 चैप्टर्स को आप कर अच्छे नंबर ले सकते हैं, और ये कंफर्म है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप शॉर्ट पीरियड पे तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इन 5 चैप्टर को कंपलसरी अच्छे से याद कर लें, गारंटी है कि आपके पासिंग मार्क्स से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक MCQs की और एक सब्जेक्टिव की भी वीडियो शेयर करूंगी इसके बाद। जो बच्चे और भी डिटेलिंग में भी याद करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो भी आपके लिए मौजूद है, और जो बच्चे शॉर्ट टाइम में अच्छे मार्क्स देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, इसको लाजमी याद करें, इन तमाम चीज़ों को गौर से करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। MCQs की भी आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो के साथ साथ, यानी इन चैप्टर्स के साथ साथ, आपने MCQs लाजमी करने हैं, जो मैं आपके साथ MCQs की वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि MCQs इतने मुश्किल नहीं होते रिवाइज करना। आपने अपने चैप्टर के पीछे जितने MCQs हैं उन सबको याद करना है, 10 नंबर के MCQs उन्हीं चैप्टर
प्रेमिस से बनाए जाते हैं। ये भी कंफर्म है स्टूडेंट्स, अगर आप वो एमसीक्यूज कर लें तो टोटल 15 में से 10 नंबर के आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो 5 एमसीक्यूज हैं वो आपके एक्सरसाइज बेस्ड होते हैं, यानी वो आपके एग्जाम्पल्स में से आते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अगर अच्छे से वो एग्जाम्पल्स भी कर लें तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो एमसीक्यूज शेयर करूंगी उनमें से यकीनन पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो को अच्छे से याद कर लें, इस वीडियो में जो मटेरियल है आपसे शेयर किया गया है उसको अच्छे से याद कर लें, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें।